हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही भल्ले की रेसिपी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है, आधा किलो 500 ग्राम उड़द की दाल ली है मैंने, और 500 ग्राम मैंने ली है मूँग की दाल। हम दो दाल को मिक्स कर दही भल्ले बना रहे हैं। दही भल्ले मूंग की दाल के अकेले भी बना सकते हैं, उड़द की दाल के अकेले भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों दालों को मिक्स करके बनाते हैं तो इनका टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है और हमें नुकसान भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उड़द की दाल गला दी है और यहाँ पर देखिए मैंने मूंग की दाल गला दी है। मूंग की दाल भी मैंने 500 ग्राम ली है और उड़द की भी मैंने 500 ग्राम ली है। इनको मैंने करीब 3-4 घंटे भिगो कर रख दिया था और ये अब अच्छे से फूल चुकी हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। अच्छे साफ़ पानी से हम इसे इन्हें धो लेंगे और एक ऐसे बर्तन में निकाल लेंगे, छन्नी वाले बर्तन में, जिनसे कि इनका सारा पानी निकल जाए, दाल का सारा पानी निकल जाए। तो बस मैंने इसे 3-4 घंटे पहले दोनों दालों को अलग अलग भिगो कर रखा था। आप एक साथ भिगो कर नहीं रखें, अलग अलग ही रखें। तो इसके बाद चलिए, मैंने दालों को धोकर रख लिया है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने दाल को धोकर और छन्नी वाले बर्तन में निकाल कर रख दिया था और पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब देखिए, अब हम इन्हें पीसने जा रहे हैं। तो हम इन दालों को अलग अलग पीसेंगे। पहले हम मूंग की दाल पीस लेंगे। दोनों को हमें मिक्स करके नहीं पीसना है, क्योंकि मूंग की दाल जल्दी सॉफ्ट होती है तो जल्दी पिस जाती है, और उड़द की दाल थोड़ी टाइट होती है, कर्री सी होती है, तो वो थोड़ी देर में पिसती है। इसलिए हमें दाल को भी अलग अलग पीसना है। तो मूंग की दाल को मैंने पहले जार में डाल दिया है और इसका हम एक महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इस तरह हमें दाल को पीस लेना है, दोनों दाल को। और उड़द की दाल को जब आप पीसें तो उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी भी डालते जाएँ, तो इससे दाल अच्छी पिस जाती है। और यहाँ पर देखिए, हमारी दाल, दोनों दाल पिस कर रेडी हो गई हैं। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद अनुसार, और अगर आप चाहें तो इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मैंने ओनली दो ही चीज़ डाली हैं। और देखिए, हमारी दाल कितनी अच्छी महीन पिसी हुई है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल को हमें ऐसे मिक्स करना है, बिल्कुल एक दोनों दाल हैं, दोनों दाल बिल्कुल एक जैसी हो जाएं, और दाल को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अगर हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे तो हमें इसमें सोडा, खाने वाला सोडा होता है, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने भी खाने वाला सोडा नहीं डाला था, अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इन्हें जैसे हम पकौड़ी तोड़ते हैं वैसे उस आकार में हम तोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो आकार अपनी मर्जी का रख सकते हैं, बड़ा, छोटा, जिस तरह से आप चाहें, जैसा आपको पसंद हो। तो बस मैंने इन्हें पकौड़ी के शेप की ही तोड़ लूँगी, और अगर थोड़ा शेप इधर उधर भी होता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये इस तरह के हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकना है। और याद रखें, गैस का फ्लेम मीडियम और लो ही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे। तो इस तरह से हमें इन्हें सेक लेना है। और इसके बाद देखिए, मैंने इन्हें एक पेपर पर निकाल लिया है, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे सारे दही भल्ले बनकर रेडी हो गए हैं, और ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इन पानी गर्म, जैसे ही पानी हमारा अच्छे गर्म हो गया है अच्छे से, अब मैं इसमें ये दही भल्ले हैं इनको डाल दूँगी। सारी नहीं डालूँगी, जितने हमें, मतलब हमारे घर में खाने के लिए लोग हैं, उतने में गला दूँगी, बाकी में रखे रहने दूँगी। तो यहाँ पर मैं दही, मैंने गैस को बंद कर दिया है, पानी गर्म हो चुका था। और अगर आप पेस्ट में डाल के, पेस्ट में नमक नहीं डाल पाया है आपने, तो आप इस टाइम पानी में भी डाल सकते हैं। और देखिए, मैंने इन्हें गला कर रख दिया है। करीब 15 मिनट के लिए हम रख देंगे ढककर इसको, और ये अच्छे से पानी में फूल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, करीब 15 मिनट बाद अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से फूल गए होंगे। और आप
आप सोच रहे होंगे इतने सारे थे ये कम कैसे बचे, क्योंकि फूल चुके थे तो मेरे बेटे को अच्छे लगे तो उसने खा लिए थे। और अब चलिए हम यहाँ पर, हम मैं ऋषभ को दे रही थी तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं और यहाँ पर मैंने दही भल्ले का पानी अच्छे से निचोड़ लिया था और इसमें मैं दही मिक्स कर रही हूँ, घर का दही है। और अगर आप चाहें तो ऊपर से जीरा पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे पसंद नहीं है, हम लोग सादा सिंपल तरीके से खाते। मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई हुई है, अगर आप लोगों को खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए ये मैंने ऋषभ के लिए रेडी कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं दूसरी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में मैंने दही भल्लू को तोड़ कर रख लिया है, चम्मच से भी अच्छे से टूट रहे थे और हाथ से भी, तो मैंने अच्छे से तोड़ कर रख लिया। बहुत सॉफ्ट बने हुए थे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए मैंने दही डाल दिया है और दही थोड़ा खट्टा था तो मैंने दही कम ही डाला है। और इसके बाद मैं इसमें मैंने जीरा पाउडर बना कर रखा था तो मैं जीरा पाउडर भी डाल दूँगी। और अगर आपके पास हरी चटनी हो, हरी चटनी बनाई हो आप लोगों ने, तो वो भी डाल सकते हैं अगर पसंद है तो। और यहाँ पर देखिए मैं खट्टी मीठी चटनी डाल दूँगी। आपको कैसे लगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग।